इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार मुंबई महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में मनुष्य एक ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी है जो अपनी नियति, प्रकृति, शुद्ध स्वभाव एवं स्वात्मा की समग्र वैभव को प्राप्त करने में समर्थ है। जब तक वे सिद्धत्व के मार्ग पर नहीं बढ़ा, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, कर्तव्य पालन से जी चुराता है, बिना परिश्रम किए उत्कृष्ट परिश्रम का फल चाहता है, उसकी वह वांछा दिवा सपन की तरह से व शेख चिल्ली के सपनों की तरह से मृषा होती है। इसलिए जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ करना जरूरी है। जो करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जो समीचीन रूप से कार्य को संपन्न करना जानते हैं, वे व्यक्ति जीवन में कभी निराश, हताश और उदास नहीं होते। महानुभाव, यदि जीवन में उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करना है तो उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त करने के लिए जीवन में उत्कृष्ट साहस भी हो, उत्कृष्ट आत्मविश्वास भी हो, उत्कृष्ट कार्य करने की विधि भी हो, उत्कृष्ट साधन सामग्री भी हो। ये सब जिसके पास है उसके पास उत्कृष्ट सफलता है। तिरुवल्लुवर कुरुल काव्य के कर्ता एक ऐसे महामनीषी परम तपस्वी महर्षि आचार्य हुए जिनके कुरुल काव्य को जो मूल में तमिल भाषा में लिखा हुआ है किंतु वर्तमान काल में वह लगभग 20 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित है, अनुवाद किया गया है। इतना ही नहीं, तिरुकुरुल काव्य के संबंध में कहा जाता है ये पांचवा वेद है। चार वेद तो आपने सुने, युगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, किंतु पांचवा वेद तमिलनाडु में तिरुकुरुल को कहा जाता है। नीतियों से समन्वित, ग्रस्तों के कर्तव्य का बोध कराने वाला, दुख आपत्ति और विपत्ति के मार्ग से बचाने वाला एक ऐसा अनुपम ग्रंथ जिसे रत्न की उपमा भी दें तो भी शायद कम है। किसी ने ठीक कहा, छूना है आसमां, छूना आसमां तो जमीन की तलाश मत कर। जीना जिंदगी तो खुशी की तलाश मत कर। यूं तो जिंदगी जीने को हर कोई जीता है, यूं तो जिंदगी जीने को हर कोई जीता है। यदि जिंदगी शकुन की जीना चाहता है तो मुस्कुराना सीख ले, कोई बजट की तलाश मत कर। जो व्यक्ति जीवन के हर किसी मोड़ पर, जीवन की हर उपलब्धि पर, चाहे उपलब्धि दुखद है या सुखद,
हर उपलब्धि पर मुस्कराना जानता है, मुस्कराने की वजह नहीं खोजता, वास्तव में जिंदगी जीने का अधिकार वही है, उसे ही है, वास्तव में जिंदगी का सार वही प्राप्त कर सकता है। महानुभाव, मुस्कुरा के रंजनम जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा के रंजनम जिसको पीना आ गया, सच कहता हूं भाई उसको सच में जी गया। जो गम में रोता रहता है, थोड़ी खुशी मिली तो फूला नहीं समाता, ऐसा व्यक्ति जो गम में रोता है वह फूलों के बीच कूदता रहता है, जो खुशी में फूल जाता है गुब्बारे की तरह से कभी फूट जाता है। इसलिए स्वात्म उन्नति के लिए सदैव कर्तव्य निष्ठ बनो, उद्यमशील बनो, सदैव आशावादी बनो, निराशाओं को एक किनारे रख दो। निराशाओं के अंधेरे में कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर पाता, और जिसके जीवन में आशा का दिव्य प्रकाश होता है, मंजिल उसके पास सरक करके आ जाती है। प्रथम कारण कहा सोन्नति, दूसरा कार्य कहा देव पूजनम, देव पूजा करना। देव कहिए तो देवगति के देव नहीं, देव कहिए तो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेश, जो राग द्वेष से रहित हैं वही सच्चे देव हैं। और एक बार जिसने अपने राग का संपूर्ण नाश कर दिया, एक बार जिसने जीवन में सर्वज्ञता प्राप्त कर ली, वे जीवन में फिर कभी अनंत काल तक भी कभी संसार में लौट करके नहीं आता। वही वास्तव में प्राणी मात्र के प्रति हित की भावना रखता है, हितोपदेशी होता है। तो देव पूजन करने से पापों का नाश होता है, देव पूजन करने से जीवन की उद्धतता, अहंकार, निराशाएं और पाप वृत्तियां स्वतः ही विनष्ट हो जाती है। महानुभाव, तीसरा कारण आचार्य महोदय ने बताया बंधु सहाय। देव पूजन के साथ साथ बंधु वर्ग की सहायता, सम्राट थारवीर व महाराज अमोघवर्ष व चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक सम्राट, जिनके जीवन में अहिंसा रग रग में समाई थी, जिन्होंने अपने जीवन को सफल और सार्थक किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने यथाजा दिगंबर दीक्षा लेकर के आचार्य स्वामी के समीप अपनी साधना की और जीवन को पावन बनाया। किंतु जब भी सम्राट थे, जब वे राजा थे, उस समय उनका एक नियम था, जो कोई भी देश में नगर में दीन दुखी याचक आता उसे स्थान देते। यही सम्राट थारवील की प्रवृत्ति थी, अपने नगर में भेष बदल करके घूमना, कौन गरीब है, कौन असहाय है, कौन दुखी है, और गुप्त रूप से सहायता करना। सम्राट खारवीर की तरह से ही महाराज अमोघवर्ष की प्रवृत्ति थी। महानुभाव, महाराज अग्रसेन के बारे में भी ये सुनने में आता है। महाराज अग्रसेन, जिन्हें अग्रवाल समाज के प्रमुख कहा जाता है, उनकी भी प्रवृत्ति यही थी। उनके नगर में कोई व्यक्ति आता, नया व्यक्ति आई तो उन्होंने नियम बना दिया था, नए आने वाले व्यक्ति के लिए नगर में रहने वाले सभी व्यक्ति एक एक रुपया देंगे और एक एक ईंट देंगे, जिससे नए आने वाले व्यक्ति का एक एक रुपया देने से एक पूंजी इकट्ठी हो जाती, जिससे व्यापार कर सके और एक एक ईंट से इतनी ईंटें इकट्ठी हो जाती अपना मकान बना सके, और देने वाले को एक रुपया व एक ईंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक सदग्रस्त का कर्तव्य है बंधु सहाय।
वर्तमान काल में कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति अपने भाई के प्रति प्रेमातुर नहीं है, वात्सल्य स्नेह से रहित सा होता दिखाई दे रहा है। भाई दुखी है, क्षुधातुर है, भूखा है, पीड़ित है, किंतु दूसरा भाई आनंद ले रहा है। किंतु आचार्य महोदय कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने भाई को दुखी देख करके खुश होता है, उसके जीवन में फिर कभी सुख लौट करके नहीं आता, खुशी छिन जाता है। इसलिए बंधु वर्ग की सहायता करना ये भी एक प्रशंसनीय कर्तव्य है। त्रुवल्लुवर आचार्य के द्वारा यह सम्मत है कि बंधु वर्ग की सहायता करना चाहिए, यह भी धर्म का एक अंश है, यह भी कर्तव्य में शुमार होता है। आगे कह रही हैं, आतिथ्यम, अपने द्वार पर कोई भी आए, चाहे जानकार आए अनजान आए, आपके द्वार से भूखा न जाए, खाली हाथ न जाए। क्योंकि जब अतिथि अपने द्वार से भूखा चला जाता है तो अतिथि आपके पुण्य को ले जाता है और उसके असाता कर्म जनित पाप वहां छूट जाते हैं। और जब अतिथि आपके यहाँ से आहार लेकर के जाता है, संतुष्ट होकर के जाता है, तो आपके पाप को ले जाता है और अपना पुण्य छोड़ जाता है। इसलिए आतिथ्य सेवन के लिए चाहे चंदन वाला के पास कुछ भी नहीं था, दाल के छिलके ही थे, किंतु फिर भी भगवान महावीर स्वामी को आहार देने की तीव्र उत्कंठा भावना जागृत हुई और तीव्र भावना से 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी सांकलों में बंधी हुई, बंधन में जकड़ी हुई चंद्रबाला के पास पहुंच जाते हैं और जिन्हें देखते ही चंद्रबाला की ड्योरियां टूट जाती हैं, केश विन्यास उन्हें ज्योंकित हो जाता है और देह यष्टि जैसी सुंदर थी वैसी हो जाती है। आहार देकर के आहार ग्रहण किया, तीन दिन की भूखी प्यासी चंद्रबाला यदि भगवान महावीर स्वामी को आहार देकर के आहार कर सकती है। सम्राट चक्रवर्ती भरत जिस दिन आहार न दे मुनि महाराज को, उस दिन वो आहार लेने की भावना रखते, कहते आज क्या हुआ, सभी मुनिराजों को पड़गा लिया, मेरी यहां नहीं आए, बड़े दुखी हो रही उनकी आंखों में अश्रुपात। महामंत्री ने पूछा, महाराज कोई दुख है? हाँ यही दुख है कि आज मैं किंकर जैसा हो गया, दीन हो गया, आज मेरी यहां कोई अतिथि नहीं आई, मेरे हाथ सर्प के फल की तरह से हो गए, मेरे नेत्र आज ऐसे लग रहे हैं नारियल के दो शेर की तरह से है, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं सुनी, धर्मोपदेश नहीं सुना, मेरे कर्ण ऐसा लगता है कोई सर्प के छेद जैसे हो, बिल जैसे हो। इतने में ही आकाश मार से सूर्य चंद्रमा की तरह से जो चरणधारी मुनि आते हुए दिखाई देते, बड़ा संतुष्ट हुआ, गदगद हुआ, आहार देकर के उन्हें भेजने भी गया, बहुत संतुष्ट, महानुभाव। भरतेश वैभव में कभी इतना कंडे लिखा है, उन्हें लौट आने के लिए मुनि महाराज ने कहा, जाओ लौट जाओ, नहीं महाराज वहां पर बसत का के बाद जाओ लौट जाओ, जब वहां बैठ के जाकर के तभी अब जाओ, महाराज मुझे आप पर बैठना अच्छा लग रहा है। उन्होंने लिखा है, मुनि महाराज ने कहा तुम्हें तुम्हारे पिता तीर्थंकर श्रीदेव की शरण दे, अब लौट जाओ। कितनी भक्ति, जो छह खंड का राजा है उसके पास अतिथि सेवा का समय है, जो राजा शीष है उनके पास समय है। एक घास बेचने वाली महिला ने सनत कुमार चक्रवर्ती को, जब उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, आहार के लिए जंगल में भ्रमण कर रहे थे, आहार नहीं मिला तो घास बेचने वाली महिला ने वहां चौका लगा करके नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया। चंद्रगुप्त के लिए देवों ने 12 वर्ष तक नगर बसा करके आहार दिया। सदग्रस्त का कर्तव्य है अपने द्वार पर कोई अतिथि आए, निर्गंत आए तब भी उसे आतिथ्य करे, आहार आदि दे, और सदग्रंत आए तब भी अपने कर्तव्य का पालन करे। आगे कह रही हूं, पूर्वे शाम कति रक्षणम, पांचवा कर्तव्य कह रही हैं, अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करो, अपने पूर्वजों की कीर्ति का स्मरण करो। आपके पूर्वज कितने पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, सज्जन थे,
जीवन में हजारों बार धोखा खाया, किंतु जीवन में एक बार भी किसी को धोखा नहीं दिया। जीवन में हजारों संघर्ष का सामना किया, हजारों दुखों का सामना किया, किंतु किसी को दुखों के गत में धकेला नहीं। चाहे प्रतिकूलता का सामना किया, पर ईमानदारी को कभी छोड़ा नहीं। न्यायपूर्वक धन कमा करके धर्म की प्रभावना की, मंदिर का निर्माण कराया, जिन बिन की स्थापना कराई, मान स्तंभ बनवाए, बड़ी बड़ी धर्मशाला बनवाई, शास्त्रों का प्रकाशन कराया। एक बालक जो कुसंगति में आकर की विष्णु में फंस गया, जब उसे गांव के मुखिया ने बाकी साधु ने कहा, तुम किसके पुत्र हो, तो बताया उसे पिता का नाम और क्या कर रहे हो। अपने पिता के नाम को कलंकित तो मत करो, अपने दादा के नाम को कलंकित तो मत करो। इस बात को सुनकर कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने नियम ले लिया, आज के बाद मैं कोई भजन सेवा नहीं करूंगा। पूर्वजों की कीर्ति का स्मरण करने से भी निस्संदेह अपने कर्तव्य का बोध होता है और अपनी बुराई का बोध होता है। आज भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं, महाराज जी पिताजी का पुण्य तो बहुत था, उन्होंने तो मंदिर बनवाया, बड़ा बड़ा पुण्य का कार्य किया, मैं इतना बड़ा पुण्य का काम तो नहीं कर सकता, किंतु अपनी शक्ति अनुसार करूंगा जरूर। पिता के संस्कारों को भूला नहीं हूं, पिता के मार्ग को छोड़ूंगा नहीं, चाहे जितनी भी सामर्थ्य है मैं पुण्य कार्य करूंगा जरूर, मैं हित का कार्य करूंगा जरूर, दूसरों का उपकार करूंगा, जीव दया का पालन करूंगा, भगवान की पूजा करूंगा, साधुओं की सेवा करूंगा। मेरे पिता ने मुझे संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों को ऐसे भ्रष्ट नहीं करूंगा। यदि मैंने पिता के सुसंस्कारों का सम्मान नहीं किया तो संभव है मेरे पिता की आत्मा स्वर्ग में दुख पाएगी। इसलिए अपने पिता की आत्मा की खुशी के लिए ही सही मैं अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करूंगा। और सदग्रस्त वही होता है जो पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा भी करता है और नई कीर्ति का अर्जन भी करता है। जो नई कीर्ति का अर्जन करता है, जो नई नई कार्य करता है और स्वयं भोगने में इतना ध्यान नहीं रखता या लूटने में ध्यान नहीं रखता, बटोरने में ध्यान नहीं रखता, वह बांटने में ध्यान रखता है, उसका मन बांटने में लगता है, वह जितना बांटता है लक्ष्मी उतनी ही आती है। लोग कहते हैं सरस्वती की कृपा दृष्टि होती है तो ज्ञान बांटने पर आता है, किंतु आचार्य महोदय कहते हैं लक्ष्मी भी दान देने से बढ़ती है और संग्रह करने से करती है। महान भाव ये सदग्रस्त के 5 कर्तव्य हैं, इनका नित्य ही सदग्रस्तों को अवश्य पालन करना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है, शेष वार्ता पुनः कभी करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार मुंबई महाराष्ट्र।